सब्सक्राइबर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग के पास में एक स्टूडेंट आए हुए हैं, उनसे जानेंगे उनका नाम क्या है, कैसे सीखे हैं और कहाँ उनका भी जॉब लगा हुआ है वो भी जानेंगे। आज सर्टिफिकेट के लिए आए थे, हमारे सभी स्टाफ मेंबर और सर भी हैं यहाँ पर, काफ़ी कॉपरेट किए हैं, इनको किस तरह से कॉपरेट किए उन लोग का भी वीडियो हम लोग साथ में ले रहे हैं, उन लोग से भी जानेंगे। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर लेंगे, लाइक जरूर करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र बहादुर खवास है। कहाँ से आप हो? ये हम लोकल ही है सर, यहाँ जमशेदपुर। जी जमशेदपुर। अच्छा, आप ट्रेनिंग किया, माशाल्लाह सर्टिफिकेट भी लिए हैं और जॉब भी लग गया, आ जाए सर्टिफिकेट लेने जी। तो आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई हम सर 12th तक किए हैं। 12th तक। यहाँ पढ़ने के बाद कुछ कर रहे थे यहाँ पर जमशेदपुर में? जी ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे थे, इधर ही काम यहाँ पता चला तो यहाँ काम सीखे। यहाँ पर हो गया 4 महीना, 3-4 महीना पहले सीखे थे। जॉब से यहाँ से भेजा गया जॉब आपको? जी जी, मतलब सीखते साथ जॉब लग गया, साथ तुरंत जॉब लग गया। अभी आके सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ये देखिए मैं इनका सर्टिफिकेट भी दिखा रहा हूँ, इनके सर्टिफिकेट है। अरे ये जिस कंपनी में काम करे वहाँ पर ये इनका आइडेंटिटी कार्ड है। तो मैं इनसे जानूंगा, चंद्र बहादुर आप इसको पढ़िए। तो आपके वहाँ जो काम में कौन सा मशीन वहाँ चला रहे हो? फोरक्लिप भी चला रहे हैं। कौन सा? BYD का। BYD का कितनी टन कैपेसिटी की? 3 टन सर। 3 टन का। यहाँ भी जो सीखे थे ये 3 टन ही, 3 टन थी वहाँ भी सीखे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ चलाने में? नहीं सर। ट्रेनिंग करके क्या तुरंत जाके जॉब मिल गया ना, वहाँ कुछ हेल्परिंग वगैरह करना पड़ा? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, तुरंत मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। जी, जी। ट्रेनिंग यहाँ पर इतना मजबूती से था कि वहाँ पर मिल गया काम? जी जी, एक दो दिन थोड़ा से चलाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। क्या सैलरी वगैरह? क्या सैलरी तो नहीं पूछना चाहिए, खास करके बॉयज लोग का सैलरी नहीं पूछा जाता, जैसा लड़की लोग का एज नहीं पूछा जाता, सैलरी तो नहीं पूछना है। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या सैलरी आपको मिल रही है? कट कुट के सर 15,600 मिलता था, खाना पीना रहना फ्री मिलता था। उससे खुश हैं आप सर? थोड़ा सा इंक्रीजमेंट नहीं है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, अगर 1 साल हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो वहाँ पर रहना खाना सब फ्री है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं? कुछ प्रॉब्लम नहीं। ट्रेनिंग जो यहाँ की है कैसा ट्रेनिंग हुआ, कि उस टाइप का ट्रेनिंग हुआ कि आप डायरेक्ट जाकर जॉब कर सकते हैं? जी है सर, यहाँ बहुत अच्छा ट्रेन हुआ, हमारे साथ आप सर बहुत अच्छा, हमारे मतलब अच्छा। भी बहुत अच्छा कराए और वहाँ सर जो प्रैक्टिकल सब वो भी बहुत प्रैक्टिकल, खास करके प्रैक्टिकल कैसा किए कि ऐसा प्रैक्टिकल किए कि वहाँ पर आपको हेल्पिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, कुछ हेजिटेशन नहीं हुई? वो मेन क्या होता है सर, शुरू शुरू में थोड़ा चलाते समय थोड़ा बंदा को थोड़ा डर लगता है, ठीक है, लेकिन एक दो बार चलाने के बाद मतलब हेल्परिंग वेल्परिंग कुछ करना नहीं पड़ा, सीधा मशीन चला ली। चलिए थैंक यू बहादुर, और मैं अभी चाहूँगा कि आपका सैलरी इंक्रीजमेंट होता रहे, अभी 2 महीना हुआ ही आपको जॉब करते हुए, और मैं चाहूँगा कि आपको छुट्टी जो आए, छुट्टी में सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, सर्टिफिकेट देना दिखाने के बाद उसका तो इंक्रीजमेंट होगा इंशाल्लाह ताला, हम लोग दुआ करेंगे। मैं आप सदाब सर से जानना चाहूँगा कि इन लोग जो ट्रेनिंग करते हैं तो किस तरह का ट्रेनिंग होता है कि लड़के डायरेक्ट भी जॉब में कर सकते हैं, उनको कहीं कहीं हाथ फ्री करने का जरूरत नहीं पड़ता? वो इसलिए कि सर हम लोग जो ट्रेनिंग कराते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान में बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो पढ़े लिखे रहते हैं तो काफ़ी जल्दी कॉपरेट करते हैं, और हम लोग डेमो वगैरह दिखाकर और उसको साइड पे ले जाकर कुछ विजुअल दिखाते हैं जो मशीन में डायरेक्ट वगैरह देते हैं वहाँ पर, खासकर उन लोगों को मेंटेनेंस के बारे में, पार्ट्स मैनुअल के बारे में, लुब्रिकेंट सिस्टम और लीवर फंक्शन और काम करने का तरीका, किस तरह से जॉब करना है, वो चीज़ ज़्यादा हम लोग कवर करते हैं, उन लोग को ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहादुर खुशी की बात है कि बहादुर डायरेक्ट यहाँ से सर्टिफिकेट लेके, मतलब कि 4 महीना पहले सीखे थे तो डायरेक्ट जाके जॉब में पकड़ लिए? सर वो जॉब पे जाना नहीं चाह रहे थे, मगर हमने उनको काफ़ी पैसा किया कि आप जॉब पे जाइए, वहाँ काफ़ी उनको दिक्कत सामना 1 महीना करना पड़ा, मगर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गए। वापस आना भी चाह रहे थे, मुझे फ़ोन किए, मैंने उनको बोला कि नहीं आप रुकिए, आप वहाँ रुकेंगे तो आपको एक दिन कामयाबी मिलेगा। और आज देखिए 4 महीने के बाद आए हैं छुट्टी लेकर, कामयाब होकर छुट्टी में आए हैं सर, अभी वो जॉब छोड़े नहीं है। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये सदाब सर थे जो कि इनको थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल में भेजते हैं, तो वहाँ पर हमारे 2 फैकल्टी प्रैक्टिकल कराते हैं। मैं ये फैकल्टी है, ये स्टाफ है, इनसे पूछूंगा, मिस्टर नाजिस हुसैन, तो आप बताइए आपके पास में जो लड़के आते हैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, आप उन लोग को किस तरह से कन्विंस करते हैं कि भाई आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो जो भी आता है यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, वो सबसे पहले कुछ पूछे ना पूछे सबसे पहले पूछता है कि जॉब की क्या गारंटी है, तो उस टाइप के लड़कों को आप क्या कन्विंस करते हैं? जैसे सर, जैसे हमारे पास यूपी, बिहार, सिवान या जमशेदपुर के कुछ लोकल लड़के आते हैं, तो फोरक्लिफ्ट, हाँ जमशेदपुर लोकल के ही है, जैसे फोरक्लिफ्ट सीखना आते हैं, मोबाइल क्रेन आते हैं, या फिर आपका जैसे भी आते हैं एक्सेवेटर सीखना, तो वो पूछते हैं कि हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो कितना सैलरी में मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सैलरी नहीं देखिए आप, आपके पास देखिए आपके पास हुनर क्या, आपके पास लाइसेंस नहीं है, या तो 10-12 हज़ार स्टार्टिंग में मिल रहा है या 15 हज़ार भी मिल रहा है, तो आप वहाँ जाकर जॉब ज्वाइन करिए,
और वहाँ पे सीखने काम सीखिए, दो तीन महीना वहाँ पे रहने के बाद आपको ऑटोमेटिक सैलरी आपका 17 से 18 हज़ार हो जाएगा। और जैसे आज लड़का हमारे पास आते हैं तो देखते कि हमारे पास हमारी मशीन है कि नहीं, आप कहीं भी जाके एडमिशन लीजिए वो मैटर नहीं करता, आप कहीं भी जाके पता करिए कितना घंटा मशीन दे रहे हैं आपको, मेंटेनेंस के बारे में बता रहे कि नहीं, अभी तो मैं पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में बता रहे कि नहीं, आपका मशीन उन लोग अपनी है कि नहीं, कितना घंटा देते हैं पर डे, कितना घंटा देते हैं, टोटल आवर्स कितना देते हैं, सारा जानकारी करके आप एडमिशन लें। तो लड़के जो जॉब में जाते हैं तो उन लोगों को किस तरह से वहाँ उन लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है? देखिए कहीं कहीं पर देखिए जॉब तो किसी कंपनी में रखा नहीं रहता, हमारे कुछ कंसल्टेंसी है या हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वो लोग हमारे बोलते हैं कि हमारे पास जॉब आया हुआ है, तो कहीं पर जाके बोलते हैं हम तो ट्रेनिंग करके पैसा देकर ट्रेनिंग सीख रहे हैं फिर जॉब में जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं लाइए, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर जॉब फ्री में भी हम लोग लगाए, काफ़ी वीडियो में देखेंगे कहीं कहीं पर कुछ नॉमिनल चार्ज भी लगता है, तो वो हम लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट लेती है, वो आपके सिक्योरिटी मनी यहाँ पे जमा रहता है, कल चल के वहाँ पे कुछ दिक्कत भी आती है तो आपको पैसा यहाँ से रिफंड भी कर दिया जाता है, रिफंड हो जाए, तो ये बेनिफिट रहता है कि आप इंस्टीट्यूट में अगर देखे जाते हैं तो। अगर कोई अगर आप एजेंट को जाके फंसने वाला काम करते हो तो उसकी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की नहीं रहती, यहाँ पे एजेंट काफी घूमते रहते हैं, इसलिए रखा जाता है कि वहाँ किसी तरफ लड़का फंस गया नहीं हुआ काम तो उसको दोबारा भेजा जाता है, अगर नहीं जाना चाहता तो रिटर्न रिटर्न हो जाता है। वो जो ट्रैवल एजेंसी सब है, जो कंसल्टेंसी एजेंसी सब है, तो उन लोग कुछ चार्ज लेती है, क्योंकि वो उन लोग को हम लोग कॉन्टेक्ट करके रखते हैं तो तभी जॉब में हम लोग लगा देते हैं। हमारे पास में मैम है थोड़ा सा, प्रिया मैम आप बताइए थोड़ा सा इधर आप जी। तो प्रिया मैम आपके पास में जो लड़के लोग काउंसलिंग करते हैं, आप काउंसलर हैं तो यहाँ पर GTI में, तो आप बताइए मैम कि आपको काफ़ी दूर दूर से लड़के फ़ोन करते हैं, काफ़ी अदर स्टेट से भी लड़के आते हैं, तो उन लोग किस तरह से कन्विंस करते हैं, खास करके उन लोग का मेन मोटो रहता है कि भाई ठीक है चलो पैसा तो मैंने दे दिया, टाइमिंग भी आपको दे दिया, तो जॉब की क्या एश्योरेंस है, जॉब की क्या गारंटी है, तो उस टाइप के लड़के लोग किस तरह से कन्विंस करते हैं? अजीता जागता सबूत हमारे बहादुर खड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। मैं बहादुर जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले ये GTI में आए थे तो फोन से भी मेरे से ही बात हुई थी इनकी, और काउंसलिंग भी मैंने ही किया था इनका, तो इनका जो था पूछने का मैम फॉकलिफ्ट है क्या, उसका ड्यूरेशन है कितना, मतलब जॉब की क्या सिक्योरिटी है, तो मैंने इनको बताया और ये सक्सेस भी कर गए। और हमारे पास स्टूडेंट लोगों का जो फोन आता है सर वो ऑल ओवर इंडिया से आता है, UP, झारखंड, बिहार, MP, तो वैसे ही काउंसलिंग होता है, जैसे पूछते हैं कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है, क्या फी है मैम, जॉब की क्या सिक्योरिटी है, तो मैं उन्हें बताती हूँ और देन लड़के आते हैं और एडमिशन लेते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं, जब सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो क्या आप उन लोग से मिलते हैं? जी मैं मिलती हूँ। पूछते होंगे कि मैडम जॉब का क्या हुआ, क्या कैसे लगाएंगे? हाँ बहुत सारे लड़के तो सर जॉब में होके भी जाते हैं, खुश होके भी जाते हैं, तो अच्छा लगता है सर। तो ये थे हमारे प्रिया मैम, जो कि हमारे स्टाफ लोग यहाँ पर काफ़ी हैं, तो इसी तरह से अगर भरोसा करना पड़ेगा आपको कि ट्रेनिंग ऐसा है कि ट्रेनिंग भरपूर कीजिए, ट्रेनिंग अच्छी ट्रेनिंग होगी तो कहीं जाके जॉब कर सकते हैं, जैसा ट्रेनिंग करके और ये जॉब में जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं जॉब आप? पुणे पुणे में सर। पुणे में अभी कौन सी कंपनी है? पुणे में ये आपका कल्याणी टेक्नो 4G में कर रहे हैं। वहाँ पर क्या काम होता है? वहाँ सर गाड़ी का इंजन का पार्ट सब बनता है, उसको आप उठा के इधर से उधर मतलब जी जी वो मतलब पूरा मशीन उसीन रहता है वो। पुणे जो गए यहाँ से कौन भेजा आपको? सर जी तो माशाल्लाह मैंने भी आपको भेजा था। तो इसी तरह से आप अगर करना चाहते हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आके कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, फोरक्लिफ्ट, JCB, एक्सकेवेटर, लोडर, ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, कोई भी ट्रेड करना चाहता है ऑपरेटिंग ट्रेड में, बिंदास फोन उठाइए 9334800330, 9471308285, ये दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप से भी आप चैटिंग करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gtigsr.com, इस वेबसाइट को विजिट करके भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सबको शेयर कीजिए, हर वो बंदे तक पहुंचना चाहिए वीडियो, हर वो कना तक पहुंचिए, आपको व्हाट्सअप स्टेटस में भी लगाइए, ग्रुप में भी भेजिए, क्योंकि बाकी बंदे लोग जो पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं कुछ कर नहीं पा रहे, सोच रहे कुछ करेंगे लेकिन उनको भरोसा नहीं पा रहा है। तो बहादुर जी के बात से आप सहमत हैं तो फ़ोन करके डिटेल्स जानकारी लें और यहाँ आ करके एडमिशन करें। ओके इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।